नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ देवयानी चौबे। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज हम आपके साथ लेकर आए हैं आईपीएल की पांच बड़ी खबर। आईपीएल को लेकर बड़ी खबर, नेहरा ने बताया कब होगा आईपीएल। आईपीएल 2020 पर बोले बटलर, इस तरह हो सकता है आईपीएल का आयोजन। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज नेहरा ने कहा, स्थिति सामान्य होने पर अक्टूबर में हो सकता है आईपीएल। आईपीएल हुआ कैंसिल तो खिलाड़ियों का होगा करोड़ों का नुकसान। बटलर ने कहा, अगर आईपीएल 2020 टूर्नामेंट को आगे नहीं बढ़ाया गया तो बहुत बड़ी होगी नाकामी। आईपीएल को लेकर बड़ी खबर, नेहरा ने बताया कब होगा आईपीएल। नेहरा ने स्टार स्पोर्ट में एक कार्यक्रम में कहा है, अप्रैल में आईपीएल होने की उम्मीद बेहद कम है। यदि टूर्नामेंट टलता है तो यह अगस्त में भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह बारिश का मौसम होता है। इसके कारण कई मैच रद्द होने की पूरी आशंका रहेगी। यदि दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस पर अक्टूबर तक काबू पा लिया गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि साल के आखिरी में आईपीएल 100% होगा। आशीष नेहरा ने अब तक आईपीएल के 88 मैच में 23 के औसत से 106 विकेट हासिल किए हैं। कोरोना को देखते हुए 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल को पहले 15 अप्रैल तक टाला गया था, लेकिन अब इसे अनिश्चित काल तक टाल दिया गया है। आईपीएल 2020 पर बोले बटलर, इस तरह हो सकता है आईपीएल का आयोजन। इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस बटलर ने आईपीएल 2020 के आयोजन को लेकर अपनी राय रखी है। इंग्लिश बल्लेबाज जॉस बटलर ने अपनी उम्मीद जताई है कि आईपीएल 2020 का आयोजन इसी वर्ष अंत में हो सकता है। जॉस बटलर ने कहा है कि वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में अभी इसके आयोजन पर विचार नहीं कर सकते। हालांकि बाद में इसे आयोजित करने पर विचार किया जाए। जैसा आप जानते हैं कि आईपीएल 2020 को 29 मार्च से शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण 15 अप्रैल तक के लिए स्थित कर दिया गया था। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज नेहरा ने कहा, स्थिति सामान्य होने पर अक्टूबर में हो सकता है आईपीएल। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का मानना है कि अगर अक्टूबर तक भी कोरोना वायरस की नियंत्रित कर लिया गया तो इंडियन प्रीमियर लीग के वर्ष के अंतिम तीन महीनों में भी आयोजित किया जा सकता है। आईपीएल 2020 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 मार्च से शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया था और अभी इसके आयोजन की संभावना नहीं है। नेहरा ने एक कार्यक्रम में कहा है, आईपीएल अगस्त में नहीं हो सकता क्योंकि वह बारिश का मौसम होता है और ऐसे में कई मैचों में रद्द होने की संभावना रही है। आईपीएल हुआ कैंसिल तो खिलाड़ियों को होगा करोड़ों का नुकसान। आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत अगर जल्द ही नहीं हुई तो फिर क्रिकेटरों को वेतन कटौती का सामना करना पड़ेगा। आईपीएल 2020 की शुरुआत 29 मार्च से होनी थी, लेकिन इसे 15 अप्रैल तक के लिए कोरोना वायरस की वजह से रोक दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आईपीएल अप्रैल तो छोड़िए, मई में भी शुरू नहीं होगा क्योंकि कोरोना वायरस के केस आए दिन बढ़ रहे हैं। बीसीसीआई अधिकारी भी मानते हैं कि इस पर फैसला स्थिति साफ होने के बाद लिया जाएगा। टूर्नामेंट में कई लोग आजीविका जुड़ी है। हरभजन सिंह बोले, कई दिग्गज टूर्नामेंट को खाली स्टेडियम में भी कराने की बात कर रहे हैं। इस तरह भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि उन्हें खाली स्टेडियम में आईपीएल खेलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस पर नियंत्रण के बाद भी टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए क्योंकि इस पर कई लोगों की आजीविका निर्भर है। हरभजन ने कहा है, दर्शक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो मुझे बिना दर्शक के खेलने में दिक्कत नहीं है। एक खिलाड़ी के तौर पर मुझे दर्शकों का समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक प्रशंसक टीवी पर आईपीएल देख पाएगा। उन्होंने कहा है, हमें हर चीज के लिए सतर्क रहना होगा, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखना होगा। आईपीएल नहीं होने से डिप्रेशन में आ सकते हैं कई खिलाड़ी, जबकि 2011 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के मेंटल केंद्र सिंह कोच रहे पैडी का मानना है कि आईपीएल को रद्द नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि कई खिलाड़ी डिप्रेशन में आ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पैडी के हाल ही में कहा था कि आईपीएल क्रिकेटर्स के लिए एक बड़ा टूर्नामेंट और दुधारू गाय है। लॉकडाउन जैसे हालात में जब कोई स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा सोचता है तो वह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है।
ऐसे समय में खिलाड़ियों के साथ अन्य लोगों को भी सलाह देता हूं कि वे खुद के बारे में ज्यादा ना सोचें और अपने लोगों पर ध्यान दें, साथ ही दूसरे विकल्प पर विचार करें। जॉस बटलर ने कहा है, अगर आईपीएल 2020 टूर्नामेंट को आगे नहीं बढ़ाया गया तो बहुत बड़ी नाकामी होगी। महामारी के कारण इस समय पूरी दुनिया खेल की लगभग सभी प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं, उन्हें रद्द कर दिया गया है। ओलंपिक 2020 को भी एक साल के लिए टाल दिया गया है, जबकि भारत में आयोजित होने वाले बहुप्रिय आईपीएल सीजन को भी 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि आईपीएल के आयोजन पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर का कहना है कि आईपीएल काफी बड़ा टूर्नामेंट है, कोरोना वायरस के कारण इसका आयोजन नहीं होना किसी नाकामी की तरह है। तो आपको क्या लगता है, आईपीएल 2020 किस तरीके से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।